अलेक्जेंडर पॉप आज के हमारे लेसन के टॉपिक हैं और अलेक्न्डर पॉप जो कि इनकी हम बायोग्राफी आज हम डिस्कस करेंगे टोटल फिफ्टी पॉइंट्स हैं फिफ्टी टू फिफ्टी फाइव पॉइंट्स तो क्या है ये अलेक्जेंडर पॉप सिक्सटीन एट्टी एट टू सेवेंटीन फोर्टी फोर ऑफ ट्रॉफी कपलेट पोइट राइटर सटायरिस्ट सटायरिस्ट स्पेशली अगर हमारे ऑप्शन में आ जाए पोइट राइटर सटायरिस्ट और एक और तो हमें सटारिस्ट पे ना टिक लगाना है इसीलिए मैंने इस पर स्टार लगा दिया ये पोइट्री भी करी इन्होंने है राइटर हैं सटारिस्ट पर स्पेशली ये माने जाते हैं द फॉर मोस्ट पोइट ऑफ द अर्ली एटीन सेंचुरी एटीन सेंचुरी है इनका इंग्लैंड मोस्ट कोएटेड पोइट मोस्ट कोटेड पोइट मीन्स ये है कि इनके वर्क में जो एक इनके वर्क से बहुत सारी कोटेशन उठाई गई हैं बहुत अच्छी अच्छी लाइन्स लिखी इन्होंने इंग्लैंड के हैं ये ठीक है ना तो और बॉर्न इनका जो जन्म होता है ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मई सिक्सटीन एटी एट लंदन यूनाइटेड किंगडम डिमाइज है इनका थर्टी ऑफ मे सेवेन्टीन फोटी फोर ट्विकू के अलेक्जेंडर पॉप को पढ़ने से पहले थोड़ा इनकी हेल्थ को डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है इनकी हेल्थ पूरे टाइम इनके पूरे लाइफ टाइम में इनको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत रही इनको एक डिजीज थी एक तरह का ट्यूबर था फ्रॉम द एज ऑफ ट्वेल्व एंड जो इनकी ग्रोथ में रुकावट हुई जिसकी वजह से और इनकी हाइट भी बहुत कम थी फोर फिट सिक्स इंच हम आगे पढ़ेंगे इनको हंच बैक की प्रॉब्लम थी क्रॉनिक पेन था एंड रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम थी एंड ही नेवर ग्रो बियॉन्ड फोर फिट सिक्स इंच इन एज वेल एज़ हेड एक थ्रू आउट हिज लाइफ लाइफ इनको प्रकार का सर दर्द भी बना रहा तो ये सारे इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं हेल्थ के पढ़ना ही पड़ता हमको इनका पॉप की हेल्थ के बारे में जब हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं एक इनकी हेल्थ हो गई दूसरा हो गया इनका कैथोलिक होना क्योंकि उस समय जब इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहे थे और ये थे कैथोलिक ये दो रीज़न थे जो ये अपने आप में एक तरह से अलग रहते थे मदर इनकी हैं एडिथ टर्नर पो फादर अलेक्जेंडर पो सेम नेम है तो हमें डिफरेंट नहीं है कोई लेनिन मर्चेंट जो कि बहुत पेरेंट्स आर कैथोलिक पेरेंट्स इनके कैथोलिक थे तो ये भी थे ही स्पेशलाइज्ड इन सेटेरिकल राइटिंग विच ऑर्न हिम सम बट हेल्प इज विटी लैंग्वेज एंड डोर फॉर सेंचुरीज वही मैंने मैंने पहले ही बता दिया सैटारिकल की वजह से ये स्पेशली माने जाते हैं जाने जाते हैं और जिसकी वजह से साटायर क्या होता है तंग ताना व्यंग कसना किसी पर अच्छे से इन्होंने खिंचाई करी अपनी राइटिंग्स में लोगों के लिए ठीक है थीके? उच्च उच्च वर्गीय लोगों के लिए तो उसी वजह से इन्होंने कई दुश्मन भी लिखा है ना और सम में कई इनके दुश्मन भी हो गए थे लेकिन वो जो इनकी राइटिंग थी ना आगे काफ़ी सालों में वो स्पेशल रही वो द द सेम ईयर ही वॉज बॉर्न विलियम एंड मैरी डिपोस्ट जेम्स सेकंड इन द ग्लोरियस रेवोल्यूशन जिस साल इनका जन्म हुआ था उसी वर्ष हुआ था विलियम और मैरी जी वहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं कहाँ का इंग्लैंड का तो ये जो विलियम एंड मैरी थे इन्होंने जेम्स सेकंड को डिपोज कर दिया था यानी कि सत्ता से निकाल दिया था बिकॉज ऑफ द सेवरल रिस्ट्रिक्शंस कई सारे रुकावट रिस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद ऑन द पब्लिक लाइव्स ऑफ कैथोलिक्स पोप वॉज एजुकेट एट कैथोलिक स्कूल्स इन लंदन इनके ऊपर जब ये कैथोलिक्स थे और एंटी कैथोलिक्स मूवमेंट चल रहा था उस इन लोगों पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे तभी भी इनकी एजुकेशन थोड़ी बहुत जो है कैथोलिक स्कूल में लंदन में हुई थी स्कूल था इनका टुईफोर्ड स्कूल द फैमिली moved अपरेंटली फर्स्ट टू हैम हैमरस जैसा कि सब यही चल रहा है भी कि कैथोलिक होने की वजह से क्या क्या इन्होंने झेला इनकी फैमिली मूव कर गई uh, सबसे पहले हैमर स्मिथ एंड देन इन 1698 टू अ स्मॉल हाउस ऑन अ लार्ज प्रॉपर्टी एट बिनफील्ड इन विंसर फॉरेस्ट फिर यहाँ चले गए ये लोग ही वाज बोर्न ड्यूरिंग द पीक ऑफ द एंटी कैथोलिक मूवमेंट सो ही रिसीव मच ऑफ हिस एजुकेशन एट होम ज़्यादातर शिक्षा इनको अपने घर पे ही रिसीव करी इन्होंने पोप्स फॉर्मल एजुकेशन एंडेड एट दिस टाइम फ्रॉम देन ऑन द ही मोस्टली एजुकेटेड हिमसेल्फ बाय रीडिंग द वर्क्स ऑफ क्लासिकल राइटर्स सच एज होरेस जिवेनल वर्जिल होमर चौसर विलियम शेक्सपियर जॉन राइडन तो शिक्षा जब इनकी फॉर्मल एजुकेशन पूरी हो गई घर पे शिक्षा पढ़ी ली इन्होंने तो स्पेशली इन लोगों के वर्क इन्होंने पढ़े और जो है इंस्पायर हुए इनसे He studied many languages and read works by English, French, Italian, Latin, Greek poets. After five years of study, Pope came into contact with figures from London literary societies such as William Congreve, Samuel Gath, William Trumbull. पाँच साल में जो इतने स्टडी के बाद स्कूल के बाद फिर वो जो इन्होंने स्टडी किया ये इन लोगों के कॉन्टेक्ट में आए यानी कि ये जो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है विलियम कॉन्ग्रेट सैमुअल गर्द हमारी लिटरेसी के ये उनसे कॉन्टेक्ट में आए पोप्स हमारे हेल्थ के बारे में पूरा डिटेल से हम देख लेते हैं पोप्स हेल्थ आल्सो फर्दर आइसोलेटेड हिम एक तो इनका एंटी कैथोलिक होना होना भी इनको आइसोलेट कर दिया था प्लस इनकी हेल्थ ने ही सफर्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ स्पाइनल ट्यूबर क्लोसिस एट द एज ऑफ ट्वेल्व दैट इज टेड इज ग्रोथ एंड लेफ्ट हिम विथ अ हंच बैक उसकी वजह से इनको हंच बैक की प्रॉब्लम हुई क्रॉनिक पेन एंड रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम सी नेवर ग्रू बियॉन्ड फोर फिट सिक्स एज वेल एज हेड एक थ्रू आउट इज लाइफ इतनी सारी इनको बीमारियाँ थी थ्रू थ्रू आउट इज लाइफ इनको हेड था इसी वजह से जो इनके एनिमीज़ थे पोप्स एनिमीज़ यूज टू मेक फन ऑफ इस डिस फिगर्ड बॉडी और जिनकी जो डिस फिगर्ड बॉडी थी उसका फन मजाक उड़ाते थे इनके एनिमीज एट बिन फील्ड ही मेड मैनी इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स यहाँ ये पहुँच गए थे यहाँ इनके कई इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बने वन ऑफ दैम जॉन कैरल इनके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने इनकी बहुत हेल्प करी थी जॉन केरल ने यह नाम आएगा द फ्यूचर डेडिकेटी ऑफ द रेप ऑफ द लॉक और यही जो थे जो जब इन्होंने आगे चल के हमारे अलेक्जेंडर पॉप ने द रेप ऑफ द लॉक लिखी पोयम उस इन्हीं को डेडिकेट करके लिखी थी वर्स ट्वेंटी ईयर्स ओल्डर देन द पोइट और इनसे बीस साल उम्र में बड़े थे हेडमेड मैनी इन द लंदन लिटरेसी वर्ल्ड लंदन लिटरेसी वर्ल्ड के काफ़ी फेमस कैरेक्टर थे ये जॉन कैरल और ये इनके इंपॉर्टेंट फ्रेंड भी थे विलियम वॉल्स अ लेसर नॉन पोइट हेल्प पोप रिवाइज इज फर्स्ट मेजर वर्क द पेस्टोरल इनका फर्स्ट इंपोर्टेंट मेजर वर्क जो है हमारा पेस्टोरल है और जिसको पब्लिश कराने में रिवाइज कराने में इनकी हेल्प करी विलियम वॉल्स ने जो कि कम ज़्यादा फेमस पोइट नहीं थे उस समय द ब्लाउंड सिस्टर का नाम जरूर आ जाता है इनसे जुड़ी हुई है जो द ब्लाउंड सिस्टर टेरेसा एंड मार्था बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड मार्था ब्लाउंड जो टू होम पोप एड्रेस सम ऑफ इज मोस्ट मेमोरेबल ऑफ इज पोएम्स तो इसमें से ये दोनों इनकी अच्छी दोस्त थी टेरेसा मार्था इसमें से मार्था के उन्होंने कहीं अपने एड्रेस पोयम्स जो है एड्रेस सेवनटीन जीरो नाइन द पेस्ट रोल इनका फर्स्ट पब्लिकेशन था सेवनटीन इलेवन पब्लिड एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिजम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क इनका एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म विच इंक्लूड सम ऑफ द अर्लीस्ट फेमस कोर्ड फ्राम पोप्स राइटिंग जिस इसी वर्क में से इनकी कई सारे कोइट्स भी निकले इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट क्वेटेड पॉइंट हैं इनके वर्क से कई सारे कोटेशंस लिए गए हैं अच्छी अच्छी लाइन्स ली गई हैं तो इस एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म से भी ली गई हैं टू इर इज ह्यूमन टू फॉल गे विज डिवाइन फुल रश इन ठीक है to, गलती करना है तो ह्यूमन है माफ़ कर देना है तो आप डिवाइन है इस तरह से सेवनटीन ट्वेल्व पब्लिश द रेप ऑफ द लॉक ये इनका वर्क का है मॉक हीरोइक एपिक द रेप ऑफ द लॉक रिवाइज्ड हुआ था सेवनटीन फोर्टी में दो बार आया था एक बार सेवन सत्रह सौ बारह में पब्लिश हुआ था रिवाइज वर्जन सत्रह सौ चौदह में पब्लिश हुआ था मॉक हीरोइक मॉक हीरोइक एपिक है ये एपिक होते हैं जो कि महाकाव्य और मॉक एपिक होते हैं उसी महाकाव्य को मजाक के वे में लिखते हैं ना दैट इज़ मौका पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टर्मो ऑयल फॉलोइंग क्वीन एन डेथ इन सेवनटीन फोर्टीन एंड जेकोबियन रिबिलियन ऑफ़ सेवनटीन फिफ्टीन इस समय इन्होंने लिखा था ये जब चल रहा था ये उथल पुथल मची हुई थी क्वीन एन की डेथ थी जेकोबियन रिबिलियन चल रहा था सेवनटीन फिफ्टीन टू सेवनटीन ट्वेंटी पोप वर्कड ऑन ट्रांसलेटिंग होमर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जो इन्होंने ट्रांसलेशन किए सबसे ज़्यादा इनको सक्सेस वहीं से मिली तो होमर का जो वर्क था इलियाड वो उन्होंने ट्रांसलेट किया अलोंग विथ विलियम ब्रूम्स एंड एलिजा फेंटन अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भाई ठीक है होमर्स का इलियाड इन्होंने ट्रांसलेट किया एलेक्जेंडर पोप ने पर दो लोगों के साथ मिलकर किया था कोलाबोरेशन में किया था वो दो लोग थे हमारे विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन पोप ट्रांसलेटेड ओडीसीज़ बिटवीन सेवनटीन ट्वेंटी फाइव एंड सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स इन्होंने ओडिसी वर्क भी किया था सत्रह सौ पच्चीस और छब्बीस के समय ट्रांसलेट पोप बिकेम द फर्स्ट इंग्लिश पोइट टू एवर लिव ऑफ द सेल्स ऑफिस वर्क अलोन ऐसे पहले इंग्लिश पोइट थे ऐसा कहा जाता है इनके अर्निंग के कोई और सोर्स नहीं थे लिटरेचर इनका वर्क ही था इनकी अर्निंग का सोर्स तो ऐसा इसलिए कहा जाता है इनके कि ये फर्स्ट ऐसे पोइट थे जो अपने वर्क पर जीते थे इन डेप्टड टू नो प्रिंस और पियर अलाइव ही स्टेटेड ये इन्होंने खुद अपने लिए ये बात कही थी पोस्ट मोस्ट फेमस पोएम इज़ द रेप ऑफ द लॉक फर्स्ट पब्लिश इन सेवनटीन ट्वेल्व सेवनटीन फोर्टीन यॉक हीरो ऑपिक है और इसके बारे में क्या है ये भी बता देते हैं कि सटायरस एक सटायराज इस हाई सोसाइटी क्वारल एक देखिए हाई सोसाइटी में जो पार्टीज चलती है उस तरह में वो चल रही है पार्टी उसमें एक झगड़ा होता है उस पर इन्होंने अच्छे से सटायर किया है व्यंग कसे हैं कैसे अराबैला फर्मन एक होती है लड़की बैलिंडा उसको नेम हो गया उसका निक नेम हो गया एंड लॉर्ड पीटर तो हु हैड ये लॉर्ड पीटर क्या करता है स्निप्ट लॉक ऑफ एयर फ्रॉम हर हैड विदाउट हर परमिशन ये उसके सर में से उसके बालों में से एक बालों में से लट निकाल लेता है तो उसके बिना परमिशन के काट लेता है बस उस पर एक अच्छा सा quarrel होता है पूरा सट्टायर इन्होंने इस पर लिख दिया है पूरा एपिक ही लिख डाला पोप ने हमारे मेजर वर्क्स पिन के आ जाते हैं वर्क से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है हमारे तो सेवनटीन जीरो नाइन सेवनटीन इलेवन में इनका एन एसी ऑन क्रिटिसिज्म ये देखिए इसमें नाम क्या है इसका एन एसी ऑन क्रिटिसज्म पर ये पोइट्री वर्क है इनका सेवनटीन टवेल्व द रेप ऑफ द लॉक एंड लास्ट इन सेवनटीन फोर्टीन सेवनटीन फोर्टीन में इसका दूसरा वर्जन आया सेवनटीन टवेल्व में मैसीहा ट्रांसलेटेड इन टू लेटिन बाई सेमूल जॉनसन ये वर्क इनका लैटिन में ट्रांसलेट किया गया था सैमुअल जॉनसन के द्वारा सेवनटीन थर्टीन विंसड फॉरेस्ट 1715, the temple of fame, a vision. ये एक इनका वर्क है जो है जो में आया Translation of Iliad, 1715 से 1720, साल तक कि इन्होंने किया इसका मैरिज थ्री आवर्स आफ्टर मैरिज ये इन्होंने कोलेबोरेशन में लिखा था ये दो लोगों के साथ मिलकर वो भी आगे बताएंगे आपको सेवनटीन सेवेंटीन में आया था एलर्जी टू द मेमोयर ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी ये एलर्जी भी लिखी उन्होंने सत्रह सौ सत्रह में एक अनफॉर्चुनेट लेडी की याद में एलर्जी लिखना दुख भरा पोएम लिखना द वर्स ऑफ शेक्सपियर ये भी इन्होंने सिक्स वॉल्यूम में आया था ट्रांसलेशन वर्क था इनका सत्रह सौ तेईस से सत्रह सौ पच्चीस ट्रांसलेसन वर्क में ये ज़्यादा माहिर थे और ट्रांसलेशन आया था जो ओडिसी का सेवनटीन ट्वेंटी फाइव सेवेंटीन ट्वेंटी सिक्स ट्रांसलेशन ऑफ द ओडिसी पेरी बर्थर्स और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री ये सेवनटीन ट्वेंटी सेवन में आया था सेवनटीन ट्वेंटी एट में इनका वर्क आया द डेंसीड एसी ऑन मैन एसी ऑन मैन एक फिलोसफिकल पोएम है सेवनटीन थर्टी थ्री टू सेवनटीन थर्टी फोर में आया एड्रेस किया इन्होंने लॉर्ड बॉलिंग ब्रोक को ये किसको इन्होंने एड्रेस करके लिखा सेवेंटीन थर्टी फाइव द प्रोलॉग टू द सटायरिस द प्रोलॉग टू द सटायरिस ये इनका वर्क है थर्टी फाइव में आया था सत्रह सौ पैंतीस में आया था फिर ये एक और आ गया इनका जो इन्होंने ट्रांसलेट किया था तो ये बताना है इसमें कि, कि किसके साथ मिलके किया था विलियम ब्रूम एंड एलिजा फेंटन के साथ मिलकर किया था इन्होंने होमवर्क का जो ओडीसी किया था ठीक है ट्रांसलेट और इलियाड को तो किया ही था सत्रह सौ बीस में एन एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बर्ट नॉट ये इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है कि एपस्टल यानी लेटर एपिस्टल मीनस होते हैं लेटर्स लेटर्स लेटर

सेवनटीन टवेल्व में आए पोएम इनकी लाइन्स बाय अ पर्सन ऑफ क्वालिटी सेवनटीन थर्टी थ्री ऑन अ सर्टेन लेडी एट कोर्ट सेवेंटीन सेवनटीन सॉलिट्यूड यू नो वेयर यू डिड डिस्पाइज टू डायलॉग्स सेवनटीन फिफ्टी एट सारे इनके वर्क्स ही चल रहे हैं ये आ गया थ्री हाउस आफ्टर मैरिज तो ये जो थे थ्री आवर्स आफ्टर मैरिज सत्रह सौ सत्रह में आया था दो लोगों के साथ मिलकर लिखा था वो हमारे दो लोग कौन थे जॉन गे जॉन अरबट नॉट ठीक है एक हमारे अलेक्जेंडर पॉप थे ही जिसमें से जॉन गे जो थे इस इस वर्क के मेन ऑथर थे लेकिन हम अलेक्जेंडर पॉप पढ़ रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे हम तो पढ़ेंगे इसे रेस्टोरेशन कॉमेडी थी द यूनिवर्सल प्रेयर जो इनका वर्क था 1738 में आया था मोरल ऐसे जो वर्क इनका सेवनटीन थर्टी वन टू सेवनटीन के बीच ये ऐसे पब्लिश हुए थे इनके प्रलॉक टू तो मिस्टर एडिसन कैटो रिटर्न लिखा था इन्होंने सत्रह सौ तेरह अब इनके लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम देख लेते हैं अ टिकेट आफ्टर पोप्स डेथ जोसेफ वॉर्टन इनकी मृत्यु के दस साल बाद जोसेफ वॉर्टन जो थे उन्होंने क्लेम किया था पोप्स स्टाइल ऑफ पोएट्री वॉज नॉट द मोस्ट एक्सेलेंट फॉर्म ऑफ एन आर्ट द आर्ट जो पोप का स्टाइल है पोइट्री का वो सबसे एक्सेलेंट नहीं है द रोमांटिक मूवमेंट दैट क्लोज टू प्रोमिनस इन अर्ली नाइनटीन सेंचुरी वॉज मोर एम्बी फिलेंट टू वर्ड इज वर्क जो रोमांटिक मूवमेंट आया इनकी एज के बाद आया था ना एज ऑफ ऑगस्टन एज के बाद रोमांटिक एज आई तो नाइन्टीन सेंचुरी में तो उस समय जो ऐसा कहा गया था कि जो है ज़्यादा इससे एम्बिलेंट थी इनके वर्क से उभयमुखी जैसे कहते हैं ना डबल वो हो जाना उस वो अलग ही अलग लॉर्ड बायरन आइडेंटिफाइड पोप एज़ वन ऑफ द वन ऑफ हिज चीफ इन्फ्लुएंस अब जो है लॉर्ड बायरन जो है पोप को अपना इन्फ्लुएंस मानते हैं कौन लॉर्ड बायरन अब पोप कैसे मानते हैं पोप ड्राइडन को मानते हैं अभी आगे बताएंगे तो लॉर्ड बायरन ने पोप को अपना इन्फ्लुएंस माना मतलब इनसे काफ़ी इंस्पायर हुए विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया इनकी पोइट्री में विलियम वर्ड्सवर्थ फाउंड पोप्स स्टाइल फंडामेंटली टू डिकेडेंट ठीक है कैसा पाया डिकेडेंट मीनस होता है अवनति होना पतन होना टू बी आर रिप्रजेंटेशन ऑफ द ह्यूमन कंडीशन वर्स वर्ष कहते हैं कि जो पोप का जो स्टाइल था मेनली जो क्या था बहुत ज़्यादा पतन का कारण था ह्यूमन की कंडीशन को उन्होंने बहुत ही जा, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया था तो ह्यूमन की कंडीशन को वो इतना अच्छे से नहीं किया था जॉर्ज गिलफिलन इन्होंने क्या किया इन हिज स्टडी ऑफ 1856 डिस्क्राइब पोप्स टैलेंट एज ये थे कोई इन्होंने अपने स्टडी किया 1856 के समय और उन्होंने पोप्स के बारे में क्या था उसके टैलेंट के बारे में अ रोज पियरिंग इन टू द समर एयर फाइन रादर देन पावरफुल रोज़ पियरिंग माने गुलाबों की उमंग उत्साह कहाँ समर एयर में इस तरह से बताया इनके वर्क को सेमुअल जैनसन सेड अबाउट हिस्स ट्रांसलेशन वर्क इलियाट ट्रांसलेशन वर्क इलियाड के लिए सेमुअल जैनसन क्या बोलते हैं आ परफॉर्मेंस विच नो एज और नो नेशन कूड होप टू इक्वल ना कोई एज होगी ना कोई ऐसा नेशन होगा जिसके इक्वल हो पाएगा इसके समान आ सकता है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी सैमुल जॉनसन ने बोला इसको दो पोप नेवर मैरिड शादी नहीं की इन्होंने अबाउट दिस टाइम ही बिकेम केम स्ट्रॉगली अटैच टू लेडी एम मॉन्टेक इनके साथ इनका नाम आता है लेडी एम मॉन्टेक् इनका अटैचमेंट रहा होम ही इनडायरेक्टली रिफर्ड इन पॉपुलर पोयम एलेजा टू एबलॉड ये जिनकी पोएम है एलेजा टू एबलॉड में इन्होंने इनको रेफरेंस किया है इनडायरेक्टली डायरेक्टली नहीं किया है 30 point number. He is one of the most epigrammatic of all English authors. सारे इंग्लिश और में उसमें सबसे ज़्यादा एपिग्रामेटिक थे यानी कि क्लेवर लिख क्लेवरफुल लिखना कंसाइज वे में लिखना और अम्यूजिंग वे में लिखना ठीक है सम वर्सो सो विरुलेंट दैट पोप इवन इन पिस्टल एट वन पॉइंट वाइल्ड वॉकिंग हिज डॉग ऐसा माना जाता है जैसे कि सटायर लिखते थे इनके बहुत सारे एनिमीज भी पैदा हो गए थे समाज में तो ये बहुत ज़्यादा कड़वी बात है वे सहली जब वॉकिंग पे जाते थे अपने डॉग को लेकर तो ये पिस्टल भी लेके जाते थे अपनी जान बचाने के लिए ऑगस्टन एज देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगस्टन एज ही इनका नाम पे ही है और एज ऑफ पोप भी कहा जाता है उसे ऑगस्टन एज को जो इनके समय ये इसी एज के थे न्यू क्लासिकल एज का एक पार्ट है ये डॉक्टर जॉनसन ने क्या बोला है देखिए इफ़ पोप बी नॉट अ पोइट वेयर पोएट्री टू बी फाउंड अगर पोप पोइट नहीं होते हम पोइट्री को कहाँ ढूंढते मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज देखिए क्लासिक्स बोला है एस लगा ना, plural है ना इसमें प्लूरल है ये तो दो लोगों के लिए बोला था उन्होंने क्लासिक्स ऑफ आवर प्रोज तो ये बोला था इन्होंने पोप के लिए प्लस ड्राइडन के लिए बोला था मैथ्यू अर्नोल्ड ने पोप हिमसेल्फ सेज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इस इज करेक्टनेस पोप ने अपने खुद की पोएट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर बताया है करेक्टनेस पोप हैज एड्रेस द ऐसे ऑन मैन टू लॉर्ड बोलिंग ब्रुक जो इनका एड्रेस किया इन्होंने किसको संबोधित करके लिखा है अपना ऐसे ऑन मैन लॉर्ड बोलिंग ब्रुक को पोप इन इज लाइफ एडमायर मोस्ट टू ड्राइडन अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने ड्राइडन को बहुत ज़्यादा एडमायर किया ये इनके पोइट्रिक मैंटर थे ड्राइडन पोप्स पोइट्री बेसिकली इलेक्ट इन इमोशन इमोशन नहीं मिलेंगे इनकी पोइट्री में पोप हैड नो प्रोफेशन अदर देन लिटरेचर कोई और प्रोफेशन नहीं था सिर्फ लिखते ही थे ये लिटरेचर ही था फ्राम इज वर्क अर्न मनी ही बॉड विला एट ट्विकन हैम सिचुएटेड ऑन द थॉमस रिवर बैंक जितना कि पैसा कमाया इन्होंने विला कहाँ लिया था ट्विकन होम में लिया था जो कि थॉमस रिवर बैंक पोप वॉज ऑल्सो कॉल्ड द विक्ड वैस्प ऑफ ट्विकन होम देखिए ये इनका उप नाम है ठीक है जैसे कि सबके कुछ ना कुछ उपाधियाँ नाम रख दिए जाते हैं ये कहे जाते थे द विक वैस्प ऑफ ट्विकन होम ट्विकन होम इनका शहर जहाँ ही रहते थे वहाँ के ये वैस्प ऑफ वैस्प मींस होता है कि तरह से लोगों के गले की हड्डी बन जाना ऐसी बातें बोलना बिकॉज ऑफ इस स्टिंगिंग सटायरिकल अटैक्स बिल्कुल तीखे सटायर करते थे अटैक ऑन द फेमस पीपल ऑफ़ द एज उस समय के फेमस लोगों पे बिल्कुल अटैक करते थे अपने रचनाओं के थ्रू स्क्रिबलर्स क्लब ये क्लब था जिसके ये मेंबर थे ही वाज द मेंबर ऑफ ऑफ दिस दिस क्लब क्लब एम टू सटायर इज इग्नोरेंस और इस इस क्लब का उद्देश्य क्या था एम क्या था सटायर करना व्यंग करना किस पे इग्नोरेंस पे अज्ञानता पे अदर मेंबर थे जो थे इस क्लब के जॉन गे थॉमस पर्नल जोनाथन स्विफ्ट जॉन अर्बर्ट नॉट और हमारे अलेक्जेंडर पॉप पॉइंट नंबर फोर्टी फोर द अल्टीमेट एंड ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू पॉप इज डायरेक्टिसिज्म ये मानते थे अगर ये पोइट्री लिख रहे हैं तो अल्टीमेट तो उसका क्या निचोड़ होना चाहिए डायरेक्टिसिज्म माने शिक्षा प्रद होनी चाहिए वो खुद मिलना चाहिए कोई शिक्षा हमको ज्ञान डॉक्टर जॉनसन अ थाउजेंड ई ईयर्स में अलैब्स बिफोर देयर शैल अपियर अनदर मैन विद अ पावर ऑफ वर्सिफिकेशन इक्वल टू दैट ऑफ पॉप ये कोटेशन बोली डॉक्टर जॉनसन ने हमारे पॉप के बारे में पॉप मीन बाय द एक्सप्रेशन फॉलो नेचर वो का जो एक वर्ड आएगा अगर फॉलो नेचर इसका मतलब है उनके अकॉर्डिंग टू फॉलो मोरल लॉ ऐसा वो कहते हैं पोप बिलीव्ड दैट अ वर्क ऑफ आर्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन ट्रुथ इनका कहना है जो वर्क ऑफ आर्ट है ट्रुथ पे बेस्ड होना चाहिए पोप टुक आर्क पोइटिका ये वर्क जो हमारा होरेस का वर्क है एज अ मॉडल फॉर हिज पोइट्री ये इनकी पूरी पोइट्री का जो इन्होंने वर्क लिखे उसका ये मॉडल यही इनका वर्क है ठीक है हॉरेज की ये वर्क था आर्थ पोटिका से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे हम कह सकते हैं हीज़ गिवन ही हेज़ गिवन अस अ नंबर ऑफ फेमस फ्रेजेज कई सारे फ्रेजेस इनके हमें मिलते हैं मोस्ट को पोइट है ये जैसे कि फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू थ्रेट एन ऐसेसिजम से लिया गया है फूल्स वहीं जाते हैं जहाँ पर एंजल्स जाने से डरते हैं टू फॉर गिव डिवाइन अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग ये भी इनका एन ऐसे अनक्रिटिसिज्म से लिया गया है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन द वर्ल्ड फॉर गेटिंग बाई द वर्ल्ड फॉर गेट ऑल नेचर इज़ बट आर्ट अन नोन टू दी ये सारी ये सारी नहीं ये तो थोड़ी सी है लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं इनकी कोटेशंस और यू मोस्ट को ही पोइट द फिल्म आ, ये देखिए फिल्म आई थी द इ्टरनल सनशाइन ऑफ़ द स्पॉटलेस माइंड इस फिल्म का टाइटल जो है वो इनकी वर्क एलिजा टू एप्लाट से लिया गया था ये जो टाइटल है ना इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड ये लाइन इनकी इस पोयम में थी थ्री ऑफ द मून्स ऑफ द प्लानेट यूरेनस देखिए यूरेनस के जो मून्स थे कितने थे ट्वेंटी सेवन नॉन सेटेलाइट अभी तक जितने पता लगे हैं तो ट्वेंटी सेवन सेटेलाइट ठीक है उसमें से थ्री जो थे उसका जो नाम रखा गया वो इनके वर्क के कैरेक्टर्स पे रखा गया अच्छा पॉइंट है ये देखिए थ्री ऑफ द मून्स ऑफ द प्लानिट यूरनस आर नेम्ड आफ्टर कैरेक्टर्स फ्राम पोप्स पोइट्री देखिए द रेप ऑफ द लॉक वर्क में जो कैरेक्टर थे एम्ब्रियल एरियल ये तीन नाम यूरेनस के तीन मून्स को दिए गए ठीक है ट्वेंटी सेवन नॉन सेटेलाइट में से तीन को तो दे दिए बाकी बचे ट्वेंटी फोर तो वो नेम दिए गए थे शेक्सपियर के करेक्टर्स में से और ऐसा था कि उस यूरेनस के जितने भी नॉन सेटेलाइट थे सबके सबको जो नेम दिए गए थे वो सारे लिटरेसी कैरेक्टर पे ही दिए गए थे ठीक है शेक्सपियर और कोप्स के द्वारा मेजर थीम्स एट द वर्क तो इनके वर्क के क्या इम्पोर्टेंट थीम्स रही किसको थीम्स को रख कर इन्होंने लिखी अपने रचनाएं कंटेम्प्रेरी कल्चरल जो उस समय समकालीन सभ्यता चल रही थी जो ठीक है वातावरण मिलियो मीन्स वातावरण जेंडर रोल्स फीमेल सेक्सुअलिटी रिलीजियस पिटी धार्मिक दया उस पर एकदम दिखाना कैसे लोग थे हीरोइक आइडियल्स आइडलनेस ऑफ द अपर क्लास एफ नेचर ऑफ ब्यूटी ठीक है ये सारे थीम्स थे इनके वर्क के बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही थीम्स पे तो फिर कटाक्ष करें इन्होंने ही वॉज buried नेक्स्ट इज मदर इन द the ऑफ द चर्च ऑफ सेंट Saint द the इन in होम इनकी मृत्यु के बाद जो इनका अंतिम संस्कार हुआ जो इनको दफनाया गया कि मदर के ग्रेव के पास कौन सा चर्च था सेंट मेरी द वर्जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने जा सारे ही समेट लिए इनके किसके अलेक्जेंडर पॉप के हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी बायोग्राफी और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम आएंगे और हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम ले लो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेसन खुश रहिए पॉजिटिव रहिए स्टूडेंट्स जय हिंद